नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार यहाँ पे। और जहाँ महामुकाबले के बारे में हम आपसे बात करेंगे, और ये मुकाबला है प्रो कबड्डी लीग। खेल नाओ टीवी आप देख रहे हैं। YouTube पर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज हमारे साथ यहाँ पे है मोहित छिल्लर जी। अब बातों ही बातों में जो सिलसिला है, छिल्लर साहब पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आने में? बहुत बढ़िया। थोड़ा ट्रैफिक का मुद्दा चलता रहता है। हाँ, वो थोड़ा ट्रैफिक का मुद्दा है। तो छिल्लर साहब, देखिए प्रो कबड्डी लीग का ये सीजन 8 शुरू हो चुका है, और सबसे पहले जो बातों की बातें हैं वो इस तरह से चल रही थी कि पूरे 2 साल हो गए, और 2 सालों बाद जो है ये प्रो कबड्डी लीग यहाँ पे वापस आई है। तो एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो बहुत हाई है, जिस तरह से हमारे पास हमारे व्यूअर्स के सवाल आ रहे थे। और छिल्लर सर, 2 साल बाद ये प्रो कबड्डी लीग आई है, तो थोड़ा क्या मेंटली किस तरह से जो प्लेयर्स हैं उनको प्रिपेयर होना पड़ा, किस तरह से, मतलब इतने टाइम बाद क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी होगी? जैसे लॉकडाउन था तो प्लेयर कोई कुछ नहीं कर रहा था, सब घर पे बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो सबने अपनी घर पे ही वर्कआउट किया, तो वो अपने प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि कब लॉकडाउन खुले, कब क्या हो, कि कब स्टार्ट होगी लीग। तो उस वो जो दौर था कोरोना का और लॉकडाउन का, उसमें प्लेयर ने बहुत मेहनत की, मैंने भी की, सारे प्लेयरों ने की। तो उस मेहनत से वो फिट रहे, कहीं नहीं, कुछ एक प्लेयर नहीं भी रहे, नहीं रहे। लेकिन करने लगे। लेकिन जो हमारा गेम एक टीम गेम है, और ये आउटडोर है, ठीक है, ये इंडोर में भी होता है, मैट पे भी होता है, लेकिन एक बाहर खेलने वाला एक अकेला आदमी नहीं खेल सकता, क्योंकि टीम गेम है। तो उन्होंने अपनी स्किल्स अकेले घर पे मैट बिछा के, पिल्लो को या बॉल को या एक्सरसाइज बैंड ला के, उससे अब फिट रहने की कोशिश की। बिल्कुल। तो आपको मैं मोहित छिल्लर जी के बारे में बता दूं, वैसे कोई पहचान, मतलब देखिए ये इनको तो पूरा इंडिया क्या विश्व पहचानता है, और दक्षिण एशियाई खेलों में 2016 में गोल्ड मेडल आपने जीता, उसके बाद कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 की ही बात है, गोल्ड मेडल आप लेके आए। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2017 की बात करें, उसमें गोल्ड मेडल आप लेके आए। दुबई कबड्डी की बात करें, वहाँ पर 2018 में गोल्ड मेडल। तो इतने सारे गोल्ड मेडल के साथ फिर आपने शुरू किया प्रो कबड्डी का अपना सफ़र। तो सबसे पहले आप ही के सफर से चलते हैं, उसके बाद आज के मैच पे आएंगे, क्योंकि प्रो कबड्डी लीग के बारे में अगर बात करें तो आज यहाँ पे 3 मैच हैं, और ये पहले 4 दिन 3 मैचेस रहेंगे, और उसके बाद जो है हर शनिवार को 3 मैचेस होंगे। तो मैं और मोहित सर आपके साथ यहाँ पे जुड़ेंगे, आपसे बातें करेंगे। तो मोहित सर, सबसे पहले तो हम आप ही के सफर से शुरुआत करना चाहते हैं, उसके बाद आज के मैच पे जाएंगे, कि किस तरह से जो दक्षिण एशियाई खेलों में आप गए, किस तरह का सफर रहा, और कितना अलग है प्रो कबड्डी में खेलना और नेशनल लेवल पे खेलना। 2014 में जैसे लीग स्टार्ट हुई तो मेरे को मौका मिला खेलने का, वहाँ पर हमने दमदम दिखाया। मैं पहले सीजन यू मुंबा में था, तो वहाँ पर हम फाइनल तक पहुँचे, हम रनर अप रहे। उसके बाद जैसे जैसे मौका मिला, इंडिया कैंप में गए, नेशनल कैंप में गए, वहाँ से सिलेक्ट होके 2016 में जब साउथ एशियन गेम था, तो बहुत अच्छा लगा, फिर ये फील हुआ हाँ यार इंडिया के लिए कुछ कर रहे हैं। और वहाँ पर जाके जब गोल्ड जीता और जब वो अपना तिरंगा ऊपर गया और नेशनल एंथम हुआ, तो रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर ये हुआ कि हाँ भैया आज इंडिया के लिए कुछ किया है। और सर जैसे जो इंटरनेशनल मैच की और टूर्नामेंट की और जो लीग की बात है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि लीग में लोग खुले दिल से खेलते हैं। जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जब उसमें मैं हुआ या कोई भी प्लेयर हुआ, थोड़ा सा दबाव रहता है कि यार इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और उस चीज के लिए कि भाई अगर गलती ना हो जाए हमसे, हम अपना परफेक्ट देंगे और हम टीम को साथ लेके चलेंगे, इंडिविजुअल कोई नहीं खेलेगा क्योंकि टीम गेम है। तो सर बहुत बड़ा डिफरेंट है, दिन रात का डिफरेंट, मैं मानता हूँ कि इंडिया के लिए और लीग में बहुत बड़ा डिफरेंट है। मतलब कि देखिए एक प्रेशर तो रहता ही है, तो लीग मैचेस में भी प्रेशर है, नो डाउट मोहित जी, क्योंकि वहाँ पे भी आपका दमखम आपके अगली पारी के लिए, इस बार का दमखम आपकी अगली पारी को डिसाइड करता है कि आप क्या करेंगे। बहुत से ऐसे स्टार प्लेयर हैं जो इस बार रिटेन नहीं हुए, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं कुछ इंजरी की वजह से और कुछ और भी वजहें हैं, लेकिन ये लीग शुरू हो चुका है। सबसे पहला मैच जो है, आइए अब थोड़ा मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज देखिए यू मुंबा और बेंगलुरु के बीच में यहाँ पर शुरुआत होने वाली है,
और देखिए टीम में अगर हम बात करें तो प्लेयर्स की बात करें, यहाँ पे कप्तानी की बात करें तो पवन सेहरावत जो है यहाँ बंगलुरु बुल्स के कैप्टन हैं, तो उनकी पर्सनल गेम आपको कैसी लगती है कि वो अगर किसी टीम में है और एज अ कैप्टन वो उनके अंदर कितना पोटेंशियल है? सर यंग प्लेयर है और जैसे उनको टीम की कमान दी गई है और मैं मानता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अच्छा करेंगे क्योंकि यंग प्लेयर है, उनमें भी पूरा जोश और टीम भी पूरी यंग है और कप्तान जैसे वो पारी रेड में दिखाते हैं वैसे वो कप्तानी में भी दिखाएंगे और बिल्कुल वो अपना 100% देंगे कप्तानी में भी और मैच पे भी। बिल्कुल, तो कप्तानी की बात आती है, थोड़ा प्रेशर ज़रूर होता है एक कप्तान के ऊपर कि, और कप्तान जब देखिए मोहित जी मैं आपसे बात कर रहा था अभी कि जब कप्तान खेल रहा है फील्ड के अंदर है तो वहाँ अब एक नियम है कि कोच बाहर से चिल्ला के कह सकता है इसको नहीं इसको भेजो रेडर को अगले को भेजो, है ना, तो कितना एक फ़र्क रहता है कि देखिए कप्तानी जो इंसान कर रहा है और जो मैच में खेल रहा है तो उसका एक अपना स्ट्रेटजी होता है, कोच का एक अपना स्ट्रेटजी होता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कितना फ़र्क होता है इन दोनों चीज़ों में? जब ऑन मैच जब प्लेयर खेलता है और कोच बोलता है कि हाँ कि उसको भेज ये मत कर तो वो प्लेयर का डिसीजन होता है या कोच का भी होता है, कोच की सुननी पड़ती है हमें और प्लेयर भी ये सोचता है या कोच ने बोला। लेकिन अगर जैसे पवन की को मैं एग्जांपल लेके चलूँ, अगर पवन रेड में पॉइंट लेके आ रहा हो और कोच उसको बोले रुक जा और लेकिन वो रुकने का नाम लेता तो उसमें पवन का डिसीजन होगा कि अगर मैं रुक नहीं रहा तो मैं अपनी टीम को जिता सकता हूँ। तो कोच और कैप्टन में भी कॉम्बिनेशन होना जरूरी है उनकी बातों में कि टीम को संभाला जा सके, कि कोच बोले कि नहीं इसको मत तू मत जाए इसको भेज, ऐसा सर चलता रहता है हर एक मैच में चलता रहता है और मैच कभी कभी ऐसे पॉइंट पे आके अटक जाता है जहां ये इतना नर्वस इतना मैच खिंच जाता है कि आप बता नहीं सकता कि मैं कि जहां कोच को और कैप्टन को किसको डिसीजन लेना पड़ेगा तो लास्ट में कोच टाइम आउट लेके जब बताता है कैप्टन से, वो टाइम आउट ही इसलिए होता है कि हाँ जो प्रेशर है वो हट जाए और कोच और कैप्टन बात कर सके टीम से। जी हाँ, तो अच्छा यहाँ पे आपके भी सवाल आने शुरू हो चुके हैं, थैंक यू सो मच। आपके अगर कोई भी सवाल है तो खेल नाउ टीवी पर आप हमसे पूछ सकते हैं। ये जो शो आप देख रहे हैं को स्पॉन्सर्ड बाय शो, यहाँ के हमारे स्पॉन्सर्ड है ओमेगा सेकी मोबिलिटी और आप एक बार इनका भी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आपके मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कहते हैं कि फेवरेट प्लेयर्स के बारे में बताएं, मोहित छिल्लर आल्सो माय फेवरेट प्लेयर। आप अपने नाम भी जरूर यहाँ पे मेंशन करें कि आप, ताकि हम जो है नाम के साथ आपको इस शो में हम अपने ले सके, इस यहाँ पे आपको हम अपने जो आपने जगह दी है अपने दिल में मोहित छिल्लर जी को इस चैनल को, हम भी आपको इस हमारी बातचीत में शामिल कर सके। तो नाम जरूर लिखे यहाँ पे। विशाल लिखते हैं कि देखिए प्रेडिक्शन टाइम है यहाँ पे, तो प्रेडिक्शन टाइम अभी शुरुआत में प्रेडिक्शन की बात अगर करते हैं, अभी मुकाबला होने दो, पहला मैच तो होने दो। तो देखिए अगर हम फजल अत्राचली की बात करें तो ये अपने आप में बड़े बड़े प्लेयर हैं और इनके पास जो अगर हम डेटा की बात करते हैं, इनके हम अगर पिछली लीग्स की बात करते हैं तो ये पॉइंट टेबल में भी ऊपर है। तो यहाँ पे अगर फजल की बात करें और यहाँ पे पवन सेहरावत की बात करें, दोनों मुंबई कैप्टन और बेंगलुरु कैप्टन की बात करें तो दोनों की जो कैप्टेंसी है उसमें आपको बेस्ट कैप्टन अभी इस वक्त कौन लगता है? मेरे को फैजल लगता है क्योंकि फैजल के पास सर एक्सपीरियंस है, वो एज में बड़े हैं और उन्होंने खेला भी ज्यादा है और वो आज से नहीं 2-3 साल से कैप्टन रह चुके हैं, बॉम्बे टीम से लगातार वो कैप्टन रह चुके हैं। और पवन अभी यंग है, उनको नई नई कैप्टनसी दी गई है तो वो थोड़ा सा अपने आप को संभालने में, टीम को संभालने में लगे रहेंगे। लेकिन फैजल पहले से प्रिपेयर है इस चीज के लिए, उनके पास एक्सपीरियंस है तो मेरे को फैजल पे थोड़ा ज्यादा भरोसा है कि वो टीम को ज्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे। अच्छा, तो जो आपके सवाल है वो यहाँ पे पूछिए और कहते हैं कि मोहित छिल्लर वी विल मिस यू इन PKL। विशाल कहते हैं कि हम आपको मिस कर रहे हैं, तो अब आप मिस मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ बने हुए हैं, आप इनसे डायरेक्ट यहाँ पे जुड़िए, मोहित जी से यहाँ पे आप बात कीजिए, इनसे अपने सवाल यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो विशाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? उसके साथ ही हमारे पास आ रहे नीतू सिंह, कहते हैं कि फायर है, आग लगा दी है मोहित जी आपने अपने जो जब भी आप खेले हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि फैंस और प्लेयर के बीच में जो एक्साइटमेंट है
वो एक बड़ा एक्साइटमेंट है, देखिए फैंस भी और प्लेयर्स भी इस लीग को खेलने के लिए। तो जब फैंस को चूज किया जाता है लीग में खेलने के लिए, तो वो कैसे प्रिपेयर करते हैं खुद को, क्या क्या उनको पहले तैयारियां करनी पड़ती है? जैसे फैंस लीग के लिए आएंगे सर, उनको पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल, नेशनल से फिर लीग या इंटरनेशनल, ये प्रोसीजर है। जैसे हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, सक्सेस पाते हैं, वैसे हमें डिस्ट्रिक्ट खेलना पड़ता है, स्टेट खेलना पड़ता है, उसके बाद नेशनल में दमखम दिखाना पड़ता है। अगर आप नेशनल में दमखम दिखा रहे हो, सबसे बड़ी चीज है लीग में आना या इंडिया टीम में आना, नेशनल। अगर आप नेशनल में दमखम दिखा रहे हो तो वहां से आपको सारे कोचेज मिलेंगे, सिलेक्टर मिलेंगे, तो वहां से आप लीग में, लीग की टेबल में नाम भी आ सकता है आपका, वहां से आप लीग में भी जा सकते हो, इंडिया कैंप में भी आप जा सकते हो। तो ये सारा सिस्टम चलता है सर। मैं अब ऐसे नहीं बोलता कि फैंस है तो वो वर्कआउट ना करे या कबड्डी खेले ना, तो ऐसे ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उस चीज के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो देखो जो अब यहाँ पे अगर मैच की हम बात करते हैं, ये मैच अपने आप में एक बड़ा मैच है, शुरुआत से ही जो है एक अच्छी शुरुआत। आपको कहते हैं कि जब आपका आगाज अच्छा होगा, आपका अंदाज अच्छा होगा, तो अंजाम भी ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा होने वाला है यहाँ पे। तो इस बार जो लीग है, बाकी जो लीग एडिशन से कितनी अलग है, क्योंकि बायो बबल्स है, कोरोना के बाद सारी चीजें हो रही हैं, तो इस वक्त कितनी अलग चीजें हो रही होंगी? सर बहुत अलग चीजें हो रही होगी अब की बात में, क्योंकि कोरोना जो लीग चल रही है और दो साल में चल रही है, फैंस को भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही होगी कि हाँ यार लीग आएगी फाइनल। वो स्टेडियम में जाके ना देख सके लेकिन टीवी पे तो दिखेगी, और उनको जो जो उनके मतलब जो प्लेयर है, फेवरेट है, वो देखने को मिलेंगे, कहीं को कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां पर बहुत कुछ अलग मिलेगा सर, क्योंकि लीग एक ही जगह पे हो रही है, बार बार चेंज नहीं है लीग में। लीग और मेरे मुताबिक बहुत अच्छी चलने वाली है, और जैसा आपने बताया कि पहला मैच आगाज ऐसा होगा, तो अपने आप में एक देखिए अंदाज आगाज की जो बात है, लेकिन एक बात तो होगी कहीं ना कहीं मोहित जी कि बायो बबल में खेलना है तो मेंटली और फिजिकली कितना यहाँ पे आप फर्क समझते हैं? सर ये आप भी, मैं अगर आपको एक बबल में रखू थी दो तीन महीने तो आप भी थोड़ा मेंटली डाउन हो जाओगे कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं। लेकिन सर प्लेयर है, प्लेयर की थोड़ी स्ट्रेंथ या मेंटलिटी, उनको योगा भी कराया जाया होगा, तो वो सोच के बैठे होंगे। एक्चुअली उनका टारगेट है, जो प्लेयर खेल रहे हैं लीग में उनका टारगेट है कि हमें ट्रॉफी दिख रही है, कि हमें ट्रॉफी लेके जानी है, मेरे को बेस्ट देना है, मेरे को टीम को जिताना है। तो अब सर जो मेंटली इतने प्रिपेयर हो गए होंगे कि वो ट्रॉफी की तरफ ध्यान गया होगा उनका, जब वो प्री कैंप में चल रहे थे तब भी वहाँ मौज मस्ती होगी होगी, लेकिन उनका जो कोच है, मैनेजमेंट है, या प्लेयर है, जो कैप्टन है, टीम को संभाल रहा है, सब का ध्यान यही होगा कि हाँ यार आपके पास इतने वर्कआउट करना है, इतना वर्कआउट करना है कि ट्रॉफी अपनी हो। तो उन्होंने अपना माइंड पहले ही प्रिपेयर कर लिया था प्री कैंप में, तो अब उन पर इतना मेंटली प्रेशर नहीं होगा, उन पर बस प्रेशर इस चीज़ का होगा कि मेरी टीम क्या कर रही है, कोच पे या कैप्टन पे या हर एक प्लेयर पे, कि मेरे को अपना क्या देना है, क्या नहीं देना। बिल्कुल। अच्छा मोहित जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस कोरोना टाइम पे, हमने देखा है कि हमने स्पोर्ट्स को क्या जिंदगी रुक गई थी, वैसे तो देखा जाए है ना, अब कोई भी स्पोर्ट्स नहीं हो रहे थे, कोई भी खेल नहीं हो रहा था, लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें आगे चलने लगी और थोड़ा कोरोना का जो माहौल है वो ठीक हुआ, अब जो है दोबारा से जो कह सकते हैं कि रेल पटरी पे आई है, जिंदगी की जो गाड़ी है वो पटरी पे आई है, लेकिन फिर भी बिना फैंस के खेलना, बिना ऑडियंस के खेलना मोहित जी, वो शोर, वो एक्साइटमेंट, वो सारी चीजें ना होना, कितना फर्क पड़ता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक जब ऑडियंस होती है तो चिल्लाती है, जैसे आप पवन को ही मान लो या फैजल को मान लो, वो प्लेइंग में है और पब्लिक चिल्ला रही है, तो थोड़ा सा ये होता है कि हाँ यार मेरे स्पोर्ट में इतने बंदे खड़े हैं, यार आवाज आ रही है, तो उसमें सर फर्क पड़ता है। अब ये होगा कि जब वो खेल रहे होंगे, जब उनको एक्चुअली जब प्लेइंग करते हैं, जब हम पब्लिक को नहीं देखते, ठीक है, लेकिन हल्ला शोर तो ये तो चलता रहता है, अब इतना फर्क पड़ेगा कि हाँ यार कोई पब्लिक नहीं है, टीम है आमने सामने और मैच टीवी पे देख रहा, तो प्लेयर अब थोड़ा ज्यादा फोकस करेगा गेम की तरफ कि वो हाँ यार पब्लिक टीवी में देख रही है, ऑडियंस नहीं है, तो यहाँ अपना पूरा दमखम लगा दे। मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि अगर ऑडियंस वहां पे नहीं है तो वो फोकस ज्यादा करेंगे, वरना थोड़ा फोकस बटन ज्यादा रहे, कौन चला रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं खेलता था या कोई भी पास देते थे हम, तो
घर वाले ऐसे याद दिलाते थे हाँ मैं यहाँ तो जब मैच में फोकस कर रहे हैं यार आप पे थोड़ी करने आए तो वो अब की बार मैच में ज्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल ये सही कहा कि कोई घर वाले बैठे हाथ दिला दिया ये रियल बात है ये हुई है हमारे साथ हमने दे दिया अपनी सिस्टर को दे दिया कोई भी आया फ्रेंड आया डिफेंस किया है तो एज अ डिफेंडर आपको माना जाता है कि हाई फाइव सबसे पहले हाई फाइव की वजह से आप फेमस हुए और इस लीग में तो एज अ डिफेंडर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था वो सवाल मुझे ना पता नहीं क्यों मैं बार बार वो दिल कर रहा है कि वो सवाल मैं अपनी ऑडियंस के सामने भी पूछूं तो मोहित जी जब डिफेंडर एक रेड लेके जाता है तो उस टाइम क्या सिचुएशन है थी आपके साथ तो हुआ ऐसा जी सर बिल्कुल हुआ मैं हरियाणा स्टीलर्स में था जब और गुजरात के साथ हमारा मैच था फैजल था अबुजा था ये राइट लेफ्ट कॉर्नर उनका कॉम्बिनेशन था अच्छा ईरान का तो गुजरात की टीम में तो सर मैं लास्ट था हमारे प्लंटी होने वाली थी तो कोई ऑप्शन नहीं था चेंजिंग का भी ऑप्शन नहीं था कि प्लंटी तो होनी है तो सब खड़े होने हैं तो मैं गया सर मेरे को एक बोनस मिली फिर प्यार से अबुजार ने राइट कॉर्नर थे वो तो उन्होंने दो पॉइंट मेरे को ऐसे दिए और फिर फीलिंग ऐसे आए हाँ यार टीम जीतने के बाद यार मैंने टीम जीता थी फाइनल मैं एक डिफेंडर होने के बाद रेडमेड पॉइंट लेके आ गया जी हाँ। और ऐसा ही सर एक किस्सा और बताता हूँ मैं नेशनल गेम थे हमारे केरला तो हमारा नेवी के साथ मैच था वहाँ भी सेम सिचुएशन थी तो वहाँ पर भी नेवी को हरा के मतलब मैंने वहाँ भी एक पॉइंट लिया था तो मतलब डिफेंडर जब पॉइंट लेके आता ना तो फीलिंग अच्छी मतलब ये होता है यार हम मैं यार रेडर भी बन गया हूँ मेरे में काबिलियत है सही बात है तो यही बात है कि देखिए आपको आपका जब आप काम कर रहे हैं मान लो राइट कॉर्नर आपने संभाला है उसके बाद जब आपको जिम्मेदारियां जब वहां पे बढ़ जाती हैं तो आप वहां पे गए आपने 3 पॉइंट्स आपको मिले थे मुझे याद है और उसके बाद वो टीम आप -16 पे चल रहे थे और आप 16 पॉइंट से वो मैच जीते भी थे तो ये अपने आप में जो परिस्थितियां होती है वो इंसान को बहुत कुछ करवा देती है। और आज के मैच की बात कर लेते हैं बंगलुरु बुल्स वर्सेज यू मुंबई के बारे में और दूसरा मैच जो है वो है तेलुगु टाइटंस और तमिल थलाइवीज के बीच में तीसरा मैच बंगाल वॉरियर्स और यूपी योद्धा के बीच में तो 3 मैच आज होने वाले हैं यहाँ पे दोनों कैप्टन्स के बारे में हमने बात की कितना दोनों में दम है यहाँ पे और लास्ट सीजन जो है अब देखिए कि बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस हुए हैं लास्ट सीजन में तो ये जो चेंजेस हैं जब एक टीम जो है आप जिस टीम के साथ खेल रहे हैं अगली बार आप दूसरी टीम के साथ खेल रहे हैं तो वहां पे मेंटली कितना प्रिपेयर होना पड़ता है एक चेंज के लिए क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन बना होता है आपका कोऑर्डिनेशन बना होता है अगली बार आप किसी दूसरी टीम में है तो वहां पे आपको वो कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन फिर बनाना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल तो होता होगा थोड़ा सा मुश्किल है सर लेकिन उसके लिए जो प्री कैंप लगता है उसमें वो सब कुछ आसान होता है प्री कैंप इसलिए लगा जाता है कि प्लेयर फिट रहे फिटनेस का कैंप अलग लगता है और प्रैक्टिस का जो मैच प्रैक्टिस होती है उसका कैंप अलग लगता है कॉम्बिनेशन के लिए कि कॉर्नर की राइटर की इनका कॉम्बिनेशन वो टीम वर्क जो प्री कैंप में होता है वो वहां पर होता है फिर प्लेयर से बटन हट जाता है वो अपना आपको प्रिपेयर कर लेता है और कॉम्बिनेशन भी बना लेता है वहां जाके प्री कैंप इसलिए लगाए जाते हैं सर। ओह ग्रेट तो जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं यूट्यूब पे उन पे हम बात करते हैं। देखिए आपके जो सवाल हैं आप पूछते रहिए और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और देखिए कबड्डी है तो कबड्डी से जुड़े हुए जो सवाल है वो हमें बड़ा ही मतलब यहाँ पे कहते हैं कि देखिए सुरेंद्र कहते हैं कि मोहित छिल्लर कॉम्बो जो था ना आपका सुरेंद्र के साथ वो बहुत ही मेरा फेवरेट था तो किस तरह का कॉम्बिनेशन था थोड़ा सा उस पर आप सर 2014 में जब लीग स्टार्ट हुई मैं और सुरेंद्र एक ही टीम में थे यू मुंबई में और अनूप की दावेदारी अनूप कैप्टन थे उनकी दावेदारी में हम खेल रहे थे तो हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया था सर 3 सीजन वहाँ फिर हम बैंगलोर बुल्स में भी इकट्ठे गए हरियाणा स्टीलर्स में भी मतलब हमारा कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हो गया था कि एक बार हम जैसे कुछ इशारे होते हैं कबड्डी में कॉर्नर्स के तो हम वो एक इशारा करते थे तो हम दोनों चाहे वो सेंटर लाइन पे हो चाहे वो बक लाइन पे हो चाहे वो बोनस पे हो कॉम्बिनेशन हमारा कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हो गया था कि मैं बता नहीं सकता कि एक बार यूं मिली की तो चाहे पॉइंट चले जाए तो लेकिन वो बहुत कम होता था कि हमने पॉइंट दिए कम है और लिए ज्यादा है टैकल ज्यादा किए हैं तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था और हमारी जोड़ी सुमो नाम से फेमस थी। देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं प्रियांशु धाकड़ बहुत ही धाकड़ नाम है प्रियांशु आपका ये पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू यू योर ओपिनियन स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी है अगर हम पहले मैच की बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स या यू मुंबई कौन सी टीम स्ट्रॉन्गेस्ट लगती है आपको? मतलब स्ट्रॉन्ग तो दोनों ही है सर लेकिन वो उनकी प्लेयर की कमी
पर ज्यादा बैंगलोर बुल्स में है और उनका राइडिंग डिपार्टमेंट मुंबई से अच्छा है, तो मैं बैंगलोर बुल्स को स्ट्रॉन्गर मान रहा हूँ अभी तक तो। जी हाँ, तो आप अपने सवाल यूं ही पूछते रहिए। जितेंद्र कुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और अब आपके जो सवाल हैं उन सभी सवालों का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। अभिषेक वर्मा जी, मोहित चिलर सर को राम राम सर, माई सेल्फ अभिषेक वर्मा, और मैं जानना चाहता हूँ कि कितना मुश्किल होता है अकेले एंकल होल्ड करना, क्योंकि मैं जब भी एंकल होल्ड करना चाहता हूँ तो नहीं पता कि कैसे की करूँ, तो कितना मुश्किल होता है एंकल होल्ड करना। ये आपसे, आपको एज अ गुरु यहाँ पे पूछ रहे हैं कि गुरुजी बताओ हमें कुछ यहाँ पे। भाई जी, एंकल होल्ड करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप उसकी प्रैक्टिस करो। आप है ना, जब भी रेड रहा है तो उसकी आंखों पे नजर रखो, कभी पैर पे नजर मत रखो। उसकी आंखें बताएगी आपको कि वो क्या कर रहा है। अगर आप पैर पे नजर रखोगे तो आप वो मूवमेंट इतने कर देंगे, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि रेडर बोनस करने वाला है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। हमेशा प्लेयर की आंखों में देखो कि वो क्या करने वाला है। और जब भी आप एंकल होल्ड करो तो उसका एंकल और पंजा दोनों इकट्ठे होल्ड करो, तभी अच्छी ग्रिप बनेगी। अगर आप ऊपर से करते आओगे काफ से तो आप फिसल जाओगे। तो आप हमेशा पहले रेडर की नजरों को देखो, उसके बाद जब वो बोनस की ट्राई करे तो ऐसे एंकल होल्ड करो कि उसका हील और पंजा दोनों चीज इकट्ठी शिकंजे में हो। ये शिकंजा है और ये शिकंजा ऐसा है कि अगर इसमें एक बार कोई फंस गया दोबारा नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ सवाल और आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं कि अपना थाई होल्ड बड़ा आपका तगड़ा था। थाई होल्ड अगर आपने कर दिया तो अकेले भी आप हिलने नहीं देते थे किसी को, तो वो कैसे करते थे आप? जब भी सर राइडर जब भी मूवमेंट में आता था और मेरे को ये लगता था कि हाँ मैं अब इसको पकड़ लूंगा, और हेल्प की तो ऑब्वियसली सर टीम के, मैं तो उनकी थोड़े सपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं जब भी रेडर मूवमेंट में आता था ये हाँ कि भाई अब तो एक बार इसने रीच ले ली, अब दोबारा रीच लेगा तो मैं इसकी थाई होल्ड कर लूंगा। तो सर उसकी प्रैक्टिस की थी हमने बार बार, कोचिज ने या मैंने गाँव में प्रैक्टिस की थी बार बार। और आप वो बोलते हैं ना सर, जिस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस की जाए तो वो ऑब्वियसली परफेक्ट हो जाती है, परफेक्ट होगी। तो वो काम था सर हमारा, और इस चीज में सर सक्सेस हो गए थे। ये भी एक चीज थी कि प्लस पॉइंट बन गया था मेरा कि हाँ, पहले मेरे को थाई होल्ड नहीं आता था, लेकिन डंडे खा के सर मार मार के पिट पिट के सारे काम हो गए थे। और ऑब्वियसली सर जब ऊपर से दाव आएगी या डंडा आएगा सर पे, अगर टीचर मेरे को पढ़ा रही है और मैं कोई चीज नहीं सीख रहा और उसके डराने से मैं सीख जाता हूँ, तो वो गुरु ही है मेरी। तो गुरु से मैंने सीखा सब कुछ और धीरे धीरे हर चीज में परफेक्ट हो गया। बिल्कुल, तो देखिए जब प्रेशर आता है तो इंसान प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करता है, ये भी इनके कहने का मतलब है। तो मोहित जी, यहाँ पे एक बात आई कि जब कोचेस की यहाँ पे बात आई, आपने भी कहा कि कोच जो है उनका जब दबाव आता है, उनका जब डंडा आता है, तो यहाँ पे देखिए कोच है बेंगलुरु बुल्स के रणधीर सिंह शेरावत जी और यू मुंबा के हैं राजा गुरु सुब्रमण्यम। तो दोनों कोचेस की, मान लो एक हम पहले कोचेस की बात करते हैं कि कोचेस का क्या योगदान है एक टीम को जिताने के लिए। कोचेस का सर जो भी प्लान बनाता है टीम का, या कैप्टन बनाया जो भी टीम में, या जो प्री कैंप लगा था उसमें क्या सिखाया कोचेस ने, और उसको उस कोचेस को पता होता है कि कौन हम मेरे लायक, कोई हीरा है कोई सोना है। तो कोच का सबसे बड़ा योगदान हो रहा है। और जैसे रणधीर कोच साहब की बात कर ले हम, तो बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने वो रेलवे में काम करते थे तो उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हुए हैं, जैसे राकेश कुमार हो गए, मंजीत छिल्लर हो गए, उनके अंडर ही खेल के एशियन गेम खेला हुआ उन्होंने। तो कोचेस का बहुत महत्व होता है सर एक टीम में, क्योंकि कोच ही सुधार सकता है गलती को। अगर मैं प्लेयर हूँ, अगर मैं खेल रहा हूँ और मेरे को अपनी गलती पता, तो उसको मैं नहीं सुधार सकता, उसको कोच ही सुधरवा सकता है बार बार करवा के, बार बार उस चीज को करवा के। और अगर टीम खेल रही है तो प्लेयर को इतना ध्यान नहीं रहता खेलते टाइम कि वो क्या कर रहा है, कि ये प्लानिंग ठीक है, लेकिन बाहर बैठा कोच ये बता सकता है कि बेटा आप यहाँ गलत चल रहे हो, तो ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए। देखिए कोचिंग भी अपने आप में बहुत मायने रखती है, कोच बहुत मायने रखता है। तो राजा गुरु सुब्रमण्यम और यहाँ पे अगर हम बात करें रणधीर सिंह साहब की, तो दोनों की कोचिंग में कुछ बेसिक डिफरेंस आपको नजर आया कि भाई? देखिए मास्टर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कोई प्यार से पढ़ाता है, कोई डंडे की मार से पढ़ाता है। सर रणधीर को सर थोड़ा डंडे की मार से पढ़ाते हैं और प्यार से, वो दोनों चीजें चलते हैं, प्लेयर को देख के चलते हैं कि
क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि उसको कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, वो उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन स्वभाव है उनमें एक अच्छा है, बड़े हैं और एक्सपीरियंस होल्डर है, तो उनको पता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ सोना है मेरा काम है, जैसे पहले ही बताया, तो वो उसी हिसाब से प्लेयर को लेकर चलते हैं कि किसको डंडे मारने हैं, किसको प्यार से मनाना है। तो रणदीप कौर साहब की मैं तारीफ करूंगा इस चीज में कि वो ऐसे है ऑब्वियसली। और जो राजगुरु मुंबई के कोच है वो भी प्लेयर रह चुके हैं, मुंबई से खेल चुके हैं, तो उन्होंने मेरे जो मेरी नॉलेज कहती है कि उन्होंने दबाव दिया होगा इतना, बट उन्होंने वो चीज नहीं करी होगी कि यार तू कर ले या आप कर लो या वो कर लो, मतलब वो ढंग से पेश आए होंगे। बिल्कुल, तो ढंग से पेश आए, मान लो आप कोच बन गए तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, सबसे पहला तो यही सवाल यहाँ पे पूछा है। हाय कैसे हैं, देखिए हमारे पास सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि आज हमारे पास दुबई और पाकिस्तान से भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम प्रवेश भाई, हमें यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितेंद्र कुमार जी आते कि प्लीज रीड माय कमेंट, हाय आप अपना नाम जरूर लिखें यहाँ पे और अपने कमेंट। तो आपके जो सवाल हैं कि अरे कबड्डी के जो प्लेयर होते हैं वो 7+ और कोच के साथ आते हैं, तो मैं आपके जो सवाल है उनको मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, आप जरूर अपने सवालों को यहाँ पे एक बार पूरा दमखम दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी डू और डाई करते हैं कि यार मेरा अभी कैरियर स्टार्ट हुआ, तो मेरे को मौका मिला तो मेरे को पीछे नहीं हटना, डू और डाई करनी है मेरे को। तो सर युवा खिलाड़ी का होना, और जैसे आपने रिंकू शर्मा की बात करी, और ये अच्छे प्लेयर है, अच्छा ही करेंगे, अगर इनको मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखिए यहाँ पे टीम के स्टार प्लेयर्स की बात करें, यू मुंबा में फजल अत्राचार्य, अभिषेक सिंह को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभिषेक सिंह एक ऐसे खिलाड़ी है कि अगर वो दम है, अकेला खिलाड़ी मैच लड़ सकता है ये भी। और अच्छा राइडर है, बिल्कुल अच्छा राइडर है, हाई पिच है, जी 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 किया है, और ये बोनस भी अच्छी बात है। और उनकी आपको मैं खासियत बता दूं, ये आगे जाके रीच भी अच्छी लेते हैं, हैंड टच बोलते हैं जिसको, वो भी अच्छा लगाते हैं, मतलब टोटली बहुत अच्छा करते हैं ये। और ये उन राइडरों में आते हैं, गिनो चुनो राइडरों में आते हैं जिन्होंने कम उसमें उम्र में या कम टाइम में अपना नाम बनाया। सही कहा आपने। और यू मुंबा की बात करें, आपके जो सवाल आ रहे, थैंक यू सो मच, ये कहते हैं डू यू थिंक दैट मुंबा हैव अ वीक डिफेंस दिस सीजन, क्या आपको लगता है कि यू मुंबा के पास जो डिफेंस है वो थोड़ा सा कमजोर है? मेरे को थोड़ा सा लगता है कि कमजोर है, क्योंकि अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर मैच एक गया, जैसे आज का उनका मैच है, देखेंगे आज कि क्या कर रहे हैं, उनका डिफेंस क्या कर रहा है, क्योंकि फैजल अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है, और फैजल वो खिलाड़ी है डिफेंस में सर, क्योंकि मैं भी खेला हूँ उनके साथ, कि उसने अकेले अकेले भी महेंद्र राजपूत को, जो 6 फुट से भी लंबे है, उनको बिल्कुल सेंटर लाइन से टैकल किया हुआ है। तो अभी हम बोल नहीं सकते कि क्या है, हम मैच के बाद ही बता सकते हैं कि वो किसकी क्या गलती थी, किसका डिफेंस कितना कमजोर था। अब युवा खिलाड़ी है उसमें बॉम्बे में, तो उनका पता चलेगा, क्योंकि कहीं का पहला मैच होगा सर, तो वो नर्वस ना हो जाए, ये सारी चीजें मैच के बाद ही डिस्कस हो सकती है कि हमारी, या हम बीच मैच के बीच में देख सकते हैं कि हाँ यार वो हुआ नर्वस नहीं हुआ या अच्छा खेला। बिल्कुल, तो ये तो हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए हम प्रेडिक्शंस जो होती हैं, कहते हैं प्रेडिक्शन जो है, जो हम भविष्य के गर्भ में जो बातें छिपी हुई है उन पर टिप्पणियां करना व्यर्थ है, किसी एक बड़े बुजुर्ग की बातें, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं उनका कहते हैं कि बड़ों की बातें और जो आंवले की खटाई है ना वो बाद में याद आती है, उनकी जो मिठास होती है ना वो बाद में याद आती है आपको, तो हम प्रेडिक्शन पे आ नहीं जाएंगे। अच्छा फिलहाल थोड़ा सा बातें हैं वो चलती रहती है। कहते हैं कि इस बार जो है 25 लाख की मोटी रकम में खरीदा है अजीत कुमार को यू मुंबा ने, तो कितना सही साबित हो सकते हैं यहाँ पे अजीत कुमार सर अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि अजीत कुमार पिछले सीजन भी अच्छा खेला था और वो अच्छा करके दिखाएंगे। मेरा दोस्त भी है सर, बातचीत भी होती है, सब कुछ है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि उसने जितना आपकी बात किया ना, जो मेरी उसकी बात हुई थी अब जाने से पहले कि भाई मैं पूरी पूरा वर्कआउट करूंगा और मैं पूरा दमखम दिखाऊंगा, या तो ये मेरा लास्ट है या मेरा कैरियर शुरू हो गया, तो उसमें उसने उसमें यही बोला था कि मेरे को कि भाई मैं पूरा दमखम दिखाऊंगा। और जहां तक उसकी बातों से, उसके वर्कआउट से, जितना उसने किया है, उससे मेरे को लगता है कि आपकी बार अजीत भी अपना नाम बनाएगा। क्या बात है, लेकिन बंगलुरु बुल्स के मुझे चांसेस इसलिए भी ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि उनके पास देखिए आप चंद्रन रंजीत जैसे प्लेयर हैं, वो इंसान मुझे कहीं ना कहीं जीवा और इनका जो टेक्निक है ना मुझे एक जैसी लगती है, पता नहीं क्यों।
हाँ, क्योंकि सर रणजीत अच्छा प्लेयर है और उसमें एक खासियत है, वो कॉर्नर पे खड़ा खड़ा होकर सेल्फ ज्यादा मारता है, रेडर को टच करता है, ग्लोव टच बोलते हैं जिसको, वो चीज उसमें ज्यादा है और वो अच्छा रेडर है। जो गया सीजन था उसमें भी वो दिल्ली की तरफ से बहुत अच्छा खेला था, नवीन को बहुत सपोर्ट दिया था उसमें। जैसे बैंगलोर बुल्स है, बैंगलोर बुल्स का रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है क्योंकि पवन है, पवन के सपोर्ट में रणजीत खड़ा रहते, यंग प्लेयर और भी है उनका, अगर ट्रेडिंग डिपार्टमेंट अच्छा हो सर, ये लगता है कि पवन रुक ही नहीं रहा, तो डिफेंस एक गलती करेगा, दो गलती करेगा, तो पवन उसको रिकवर कर लेगा। सबसे बड़ी बिल्कुल बात ये है। तो जो बैंगलोर बुल्स का रेडिंग डिपार्टमेंट अच्छा तो है ही है, लेकिन उनका रेडिंग डिपार्टमेंट से उनके जो डिफेंस के जो थॉट हो गए वो उन्होंने बदलने चाहिए कि हम कम से कम गलतियां करें, एक गलती करेंगे, दो करेंगे, पवन उसको रिकवर कर देगा, तो वो बिल्कुल खुल के खेले दबे ना और वो अच्छा ही कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आप खेल नाउ टीवी जो है, आप देखिए खेल नाउ टीवी को, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सवाल यहाँ पर हम तक आप पहुंचाते रहिए, आपके जो मैसेजेस हैं वो हम तक आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए, आपके प्यार के लिए। कहते हैं कि सर कितने टाइम से स्टार्ट होगी कबड्डी? देखिए कबड्डी तो है, अभी आधा घंटा है, 7:30 बजे से मैच शुरू होगा, और आप जो है अपने सवाल हम तक पहुंचाइए तब तक। अच्छा अभी हम चलते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा और सवाल है यहाँ पे मोहित सर मेरे दिमाग में, कि जैसे अगर हम टीम के स्टार प्लेयर, अगर हम बेंगलुरु बुल्स की बात करते हैं तो पवन सेहरावत, महेंद्र सिंह की बात करते हैं हम, रंजीत की बात करते हैं हम, अमित की बात करते हैं, और जी वी मोरे, ये कुछ प्लेयर है, सौरभ नांदा को कैसे भूल जी सकते हैं? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बेंगलुरु बुल्स की टीम जो है, जैसे पूछा कि बहुत सही है, लेकिन अमित शोरन के बारे में आपकी पर्सनल राय क्या है? सर अच्छा प्लेयर है अमित शोरन, और गिने दिने जो गया सीजन था वो कम ही दिन में जल्दी नाम बना गया, और सर उसमें हर तरह की टेक्निक है, हर तरह की टेक्निक है, वो हर चीज को कवर कर लेता है, तो मेरी नजर में अमित अच्छा प्लेयर हो और अच्छा कर सकता हो और अच्छा उभर के आएगा। तो जी आप अपने सवाल यहाँ पे लगातार पूछते रहिए, और कहते हैं कि क्या YouTube चैनल पर आएगी कबड्डी? देखिए कबड्डी के बारे में हर एक अपडेट आएगी, और खेल और टीवी पर ही आएगी, मेरे और मोहित सर के साथ ही आएगी। मोहित छिल्लर जी आपके साथ यहाँ बने रहेंगे, और पूरा सीजन आपके साथ हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो आज ही आप हमें लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले आप YouTube चैनल को, और खेल लाओ चैनल पे जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि आप तक जो कबड्डी की हर अपडेट है टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो थोड़ी सी टीम की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कहते हैं कि बंगलुरु बुल्स की टीम जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ क्या है? मुझे क्या लगता है कि बंगलुरु बुल्स की टीम में एक तो सबसे पहले तो इनके कैप्टन ही स्ट्रेंथ है, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो आप जो सवाल आप पूछ रहे हैं स्ट्रेंथ से रिलेटेड, मुझे लगता है कि टीम में जो है पवन सेहरावत जो है प्रो कबड्डी लीग के दिग्गज खिलाड़ी बन चुके हैं, और उन्होंने सीजन में हर सीजन में अपना जो बेहतरीन किया है उसको देख के हम कहते हैं कि वो एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है, नो डाउट यहाँ पे। उन्होंने इसके अलावा सातों सीजन में 300 पॉइंट्स रखे, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात आ गई। वीकनेस की अगर बात करें तो बेंगलुरु बुल्स जो है प्रो कबड्डी लीग में कप्तान रोहित कुमार की कमी जो है खलेगी, कितनी कितनी खलने वाली है कमी, आपको क्या लगता है? बहुत खलने वाली है, क्योंकि जो रोहित कुमार है वो कप्तान कूल कप्तान थे, वो मतलब मैं भी खेला हूँ उसके साथ, वो कूल कप्तान थे, वो कभी किसी प्लेयर पे अगर कोई गलती हो जाती तो कुछ ही बोलते थे, कोई नहीं ऐसा करके, जैसे लाइक अनुप कुमार है वैसे ही रोहित कुमार है, बिल्कुल कूल कैप्टन था, और कमी उनको थोड़ी सी खिलेगी, लेकिन उस कमी को अगर कप्तान को छोड़ के राइटिंग के डिपार्टमेंट में कर दे तो रणजीत इस कमी को पूरा कर सकते हैं। एक ऑलराउंडर का होना, दोनों टीमों में ऑलराउंडर का होना कितना जरूरी है? सर बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी है ना जो मैन डिफेंडर होते हैं उनको चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है कोई भी, तो ऑलराउंडर उस चीज को संभाल सकता है, और राइडिंग डिपार्टमेंट में भी, या जैसे आप राइडिंग डिपार्टमेंट में किसी को इंजरी होगी, क्योंकि सर इंजरी का गेम है, बॉडी टच है, तो कहीं पता नहीं होता किसको क्या होता, ऑलराउंडर की होना टीम में बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी साइड ऑलराउंडर है, जैसे कोई राइट कॉर्नर खेल रहा है तो उसमें वो ऑलराउंडर है तो वो टाइम पे राइट पॉइंट लेके आ सकता है, वो नहीं होगा कि जैसे मैं डिफेंडर हूँ तो मेरे को आ गया रेड मारनी पड़ेगी, रेड डालनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँ, तो वो चीज ऑलराउंडर की कमी को भर देती है, ऑलराउंडर जो है उस कमी को पूरा कर देते हैं। तो ऑलराउंडर बहुत जरूरी है। देखिए एक रेडर है उसके पास कॉन्फिडेंस है, डिफेंडर है उसके पास अपनी अपनी जो स्किल्स है उसमें, सब वहां पे नहीं बोल रहा, लेकिन
ऑलराउंडर जो है वो पता है उसको कि मुश्किल हालातों में मैं रेड भी कर लूंगा डिफेंस भी कर लूंगा यहाँ पे। तो अब यू मुंबा की बात कर लेते हैं, इनकी जो टीम की स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि यू मुंबा की सबसे ताकतवर टीम है इस वक्त, जो लोग भी कह रहे हैं कि भैया इनका जो ताकत है वो है फजल अल्लाह अली, तो ये इनकी स्ट्रेंथ है इसको मैं मान सकता हूँ। बल्कि जो लीग है उसमें काफी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया है, इनके पास डिफेंस भी बहुत अच्छा है, इनकी कप्तानी में टीम का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। और अगर हम प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो फजल के पास 300 टैकल पॉइंट है अकेले, तो इतने बड़े महारथी हैं। तो यहाँ तो स्ट्रेंथ की बात आप देखिए कि स्ट्रेंथ तो यहीं पे है। और पूरा यू मुंबा के अगर रेटिंग की बात करें तो रेटिंग में ज्यादा बड़े नाम नहीं है। यही तो मैं पहले आपसे बता रहा था कि बेंगलोर यू मुंबा से में से बोलो तो बॉम्बे के पास आपको ज्यादा रेडिंग का डिपार्टमेंट ज्यादा नहीं है क्योंकि एक अभिषेक है और उसको सपोर्ट करने वाले एक दो है इंडियन प्लेयर है। तो हम जो बैंगलोर बुल्स है वो मोहन सहरावत है, रणजीत है, उनके पास सपोर्ट है, जैसे मोहन के पास सपोर्ट है रणजीत का, तो बॉम्बे के पास रेडिंग डिपार्टमेंट है मेरी उससे कि वो थोड़ी कमी खेल सकती है। देखिए मुझे नहीं लगता, देखिए मुझे क्यों नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे ऑलराउंडर है, इनके पास ऑलराउंडर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कमी आ जाएगी क्योंकि एक ऑलराउंडर अपने टीम के लिए जब दमखम से खेलेगा तो उसे पता है कि कैसे डिफेंडर किस तरह से डिफेंस करता है, रेडर किस तरह से आता है। बिल्कुल सर, ऑलराउंडर का मैंने अभी हाँ। मैं तो बताया आपको वो कर सकता है लेकिन एक परफेक्ट रेडर भी होना जरूरी है क्योंकि ऑलराउंडर में फिर वो ये हो जाता है कि मेरा राइट कॉर्नर है तो मैं राइट कॉर्नर आउट है तो मैं रेड डालू या कॉर्नर खेलू, ये भी तो सिस्टम हो जाता ना। तो रेडर की तो होना एक बंगलुरु और मुंबई के बारे में तो बात हो ही गई। तो मोहित जी दूसरा मैच देखिए तेलुगु टाइटंस और तमिल स्लाइम्स के बीच में, तो दोनों टीमों का इतिहास आपकी नजरों में क्या रहा है तेलुगु और यहाँ पे तमिल स्लाइम्स का? सर तेलुगु का जब राहुल खेलता था स्टार्टिंग में उन्होंने अच्छा किया भी है, वो बैकफुट पे भी रहे हैं, उन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन तमिल का जहां तक मैं जानता हूँ वो जैसे मैं भी खेला हूँ उससे, तो हमने अच्छा करने की कोशिश की है लेकिन वो टीम बन नहीं पाई। जैसे मैं खेला था लास्ट सीजन तो हम टीम जोड़ नहीं पाए, इकट्ठा नहीं कर पाए, टीम मेंबर या कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। तो तेलुगु तो बैटर कर चुकी है पिछले सीजनों में लेकिन तमिल बैटर करने की कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं पा रहा। अरे वाह, तो देखिए बेटर करने की कोशिश है, जो बेहतर करने की कोशिश करता है, कहते हैं कि डरकर कभी नौका पार नहीं होती, तूफानों से कभी डरना नहीं चाहिए इंसान को, आप अपना चप्पू चलाते रहो क्या पता कब नौका पार हो जाए यहाँ पे, तो क्या पता वो ट्रॉफी तक ले जाए। जी हाँ बिल्कुल, आप अपने सवाल जरूर पूछिए यहाँ पे, आप मोहित छिल्लर जी से आप अपने सवाल पूछते रहिए जो बातें हमारी चल रही थी कि अच्छा यहाँ पे एक सवाल आ रहा था हमारे पास, हाय कैसे हैं नवीन जी, आप कहते हैं कि सर एक बात बताइए आपके ना आपका जो डाइट रहती है, तो एक जब खिलाड़ी है जब खेल रहा है तो वो डाइट पे कैसे कंसंट्रेट होती है, क्या मतलब खाने पे ध्यान रखना पड़ता है? सर जब से लीग हुई है स्टार्ट तब से ही हमने डाइट का मेथड जाना है, जब लीग नहीं थी जब हम ऐसे ही खेलते थे तो घर का जो भी खाना था वो, लेकिन लीग स्टार्ट होने से हमें बहुत सी चीजों का पता लगा है जैसे डाइट, फिजियो, हर चीज कैसे उसको रिकवर किया जा सकता है कैसे नहीं। डाइट में सर नॉर्मली हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए इतना, लंच करना चाहिए इतना, डिनर करना चाहिए इतना, आपने क्वांटिटी बता दी। ब्रेकफास्ट करो खूब दबा के, लंच करो कम, डिनर करो बहुत कम, और हेल्दी खाना चाहिए, ना ये फास्ट फूड ना ये कुछ, आप हेल्दी खाओ, कुछ भी खा लो हेल्दी, जो भी चीज है वेज नॉन वेज जैसे भी आप खाना चाहते हो, और अपनी डाइट में शुगर मीठे को बिल्कुल ऐड ना करें क्योंकि उससे फैट बढ़ता है। और कबड्डी एक ऐसी चीज है जिसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, पावर भी चाहिए, सारी चीज चाहिए, और मीठा तो सर डाइट से बिल्कुल आपका ही बंद होगा, दो साल बाद आपका ही बंद हो जाना है, मेरा तो बंद है। डाइट में आप हेल्दी फूड खाओ सब कुछ ओके होगा।
जी हाँ, हेल्दी फूड खाइए, सब ओके हो जाएंगे, आप ओके हो जाएंगे। यहाँ पे सवाल आ रहे हैं, हाय श्याम सुंदर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अनिश कहते हैं कि अभिषेक सिंह खेल रहे हैं, अभिषेक के बारे में तो हम बात कर रहे थे अभी, एक ही तो इंसान है जो नैया का चप्पू चला रहा है इस बार, वरना तो डिफेंसिंग है सारी टीम। और मुझे लगता है कि डिफेंसिंग जहां पे टीम होती है वहां पे कोई ना कोई एक आपके पास ऐसा रेडर होना चाहिए जिस पे आप फोकस कर सकें, तो वो इस बार खेल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है खेल रहे हैं तो उनके पास है। तो अच्छा, आप अपने मैसेजेस जरूर यहां पे भेज रहे हैं हमें। बात करते हैं तेलुगु टाइटन्स की, तो देखिए आकाश आकाश चौधरी, मनीष अंकित बेनीवाल यहाँ पे है, जगदीश कुंगले, कोचिंग के मामले में कैसे लगते हैं आपको तेलुगु टाइटन्स के? सर वो पिछले कई सीजन से है उसके कोच, और वो अच्छे हैं, वो प्रेशर नहीं देते प्लेयर पे, वो मतलब वो प्लेयर रह चुके हैं तो उनको पता है कि प्लेयर को कैसे ट्रीट करना होता है, तो वो प्रेशर नहीं देते, और अच्छी कोचिंग है उन्होंने, उनकी कोचिंग में टीम अप भी किया है, यानी कि टेबल पे नीचे गई है, उनकी कोचिंग में टीम ने अप भी किया। बिल्कुल, तो बढ़िया कोच है नो डाउट जगदीश कुंबले। और कहते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आप देखिए सीजन टू में उनका अच्छा परफॉर्मेंस था, नो डाउट। और अब ऐसा नहीं है कि अगर खिलाड़ी जो है किसी भी सीजन में अच्छा नहीं कर पा रहे तो इस बार नहीं करेंगे, भैया ले पंगा है, कभी भी झटका हो सकता है, ये कबड्डी गेम है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी झटका लग सकता है। आप रोहित कुमार को कितना, मतलब इतने अनुभवी खिलाड़ी है तेलुगु टाइटन्स में, तो कितना दारदार है और आपकी नजरों में वो किस तरह के खिलाड़ी है? सर मैंने बेंगलुरु के जब आपने बोला कमी खेल रही है, तो रोहित मेरे गांव का ही है, मेरा सीनियर प्लेयर है, उनके साथ में खेला हूँ, लेकिन वो अब कैप्टन भी है और कैप्टन तो कूल है, मैंने बताया था जैसे वो अब की बात अच्छा करके दिखाएंगे, और जो भी उन्होंने किया है लास्ट सीजन कोई इंजरी से या कुछ भी, लेकिन वो उस चीज से बढ़के करके दिखाएंगे, और वो इतने अच्छे दावेदार है, मैं सोच रहा हूँ कि तेलुगु टाइटन अब की बार टेबल पे और ऊपर आने वाले। क्या बात है, देखिए आपने कह दिया प्रेडिक्शंस का मामला यहाँ से शुरू हो रहा है। आप जो है मोहित जी की बातों को जरा गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब मोहित जी यहाँ पे देने वाले हैं। मोहित जी एक छोटी सी यहाँ पे बात थी हमारे पास जो चल रही थी, देखिए कि जो छिलर साहब से पूछिए कि जो ये तेलुगु टाइटन्स है 30 लाख की रकम इन्होंने सिद्धार्थ देसाई को रिटेन किया है, तो आपको लगता है वहीं सुरेंद्र सिंह 55 लाख है, संदीप जो है वो 59 लाख के आसपास है, तो सर अच्छी खासी रकम दे के इन्होंने बड़े प्लेयर लिए हैं, तो क्या लगता है आपको ये कॉम्बिनेशन बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा सर, और ये कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाना ही पड़ेगा, और अब तक बन भी गया होगा, क्योंकि आप और मैं प्री सीजन कैंप नहीं देख पाते हैं जी, जी, कि जी, क्या होता है क्या नहीं होता, हम तो एक जब लीग स्टार्ट होगी तभी टीवी पे उनको एनालाइज कर पाएंगे कि उन्होंने क्या किया, कितना कॉम्बिनेशन बनाया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि रोहित की कप्तानी में अब की बार ये प्लेयर अच्छा करके दिखाएंगे। जी हाँ, तो देखिए कप्तानी है, अच्छा करके दिखाना जरूर है यहाँ पे। और जो युवा खिलाड़ी है राकेश गौड़ा की बात करते हैं, अंकित बेनीवाल की यहाँ पे जरूर बात करें, क्योंकि उनके बारे में बहुत सवाल हमसे पूछे जाते हैं। साहब अंकित बेनीवाल के बारे में पर्सनल व्यूज क्या है आपके? सर मैं पहले बता चुका हूँ, जितने भी यंग प्लेयर है ना वो सब बिल्कुल ऐसे लाइन में खड़े हैं कि हमें मौका कब मिले और हम अपना कैरियर कब स्टार्ट करें, और उनके वो जहां तक मैंने सुना है जो भी नेशनल खेला उन्होंने, जो भी लोकल टूर्नामेंट खेला, तो मैंने उनका नाम ही सुना है कि वो अच्छा प्लेयर, उन्होंने अच्छा करके दिखाया, तो वो मौके की तलाश में घूम रहे हैं यंग प्लेयर कि हमें कम मौका मिले और कब हम अपना दमखम दिखाएं। देखिए यहाँ पे जो मौके की बात है, अगर मौके पे कबड्डी में भी चौके लगते हैं, ऐसा नहीं है मौके पे यहाँ चौके नहीं लगते हैं, चौके लगते हैं। तो आपने कब तो मौके पे चौके मारे, कुछ आपके बारे में भी बात यहाँ पे हो जाए। सर मैंने मौके पे चौके खूब मारे, जैसे मैंने रेडिंग डिपार्टमेंट में बताया था कि जब भी मैंने चौका मारा, जब मैं स्टार्टिंग की मैंने कबड्डी की तब भी मैंने चौका मारा था, मेरे को नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन सर वो चौके लगते 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 जहां मेरे को ये लगा कि हाँ मोहित यहाँ आपकी बारी आ गई है, उसके बाद मैंने पैर पीछे नहीं हटाया सर, वो फिर मैंने देखा कि कैरियर है यहाँ अपना पूरा दमखम लगा दे, चाहे हाथ टूटे चाहे पैर टूटे, तो उस मौके पे मैंने सर चौका लगाया, जब मैं 2014 में नेशनल खेला था तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, तब वहां पर जाके सर मैंने चौका लगाया, चौका मैंने सीधा छक्का लगाया कि हाँ यार यहाँ तो छक्का लगाना पड़ेगा नहीं तो कैरियर डूब जाएगा,
मैंने वहां से शुरुआत बढ़ के खेले आप जी बिल्कुल। आपने ये नहीं देखा कि अब क्या होना है क्या नहीं होना, अपना दिखाना और टीम को जिताना है। जी जी, तो देखिए अपना जो दमखम है वो दिखाना पड़ता है हर फील्ड की बात है मुझे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कबड्डी के मैदान पे ही है या फिर आप मैदान की बात कर ले, आम जिंदगी अभी जो है वो भी मौके पर चौका लगाने में कोई पीछे नहीं हटता है। बात बात करते हैं, किसी को भी मौका मिलता है वो कहते हैं कि मौके उठा लो मौका। तो यहाँ पे जो टीम की स्ट्रेंथ है मुझे लगता है कि बहुत ही यंग तमिल के पास जो है, तमिल थ्राइवर्स की बात करते हैं तो बड़े यंग रेडर्स हैं इनके पास। तो यंग रेडर्स की अगर बात करें तो कितना फायदा होगा, जैसे कि अगर हम बात करें अतुल की बात करें, हम यहाँ पे मंजीत की बात करें, हम प्रभंजन की बात करें, तो यहाँ पे जो रेडिंग की बात हम करते हैं तो यंग रेडर्स हैं कितना फायदा मिलने वाला है, क्योंकि मान लो यंग है, एक्सपीरियंस नहीं है, यंग है वो तो है। हैं। ये बात है सर, जैसे आपने मंजीत की बात की, वो लास्ट सीजन में बल्टन में थे, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा किया था। वो यंग है और इनको तमिल वालों को बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है यहाँ इस चीज का कि तमिल टीम में यंग है। और वहाँ के जितने भी प्लेयर हैं सर, जो डिफेंस का भी मामला उनका या रेडिंग का भी मामला, सब कुछ यंग है उनका। बिल्कुल, सुरजीत की कैप्टनशिप में वो खेलेंगे और इतना अच्छा मतलब बनाया हुआ उनकी टीम ने, सारे यंग रेडर भी यंग, डिफेंडर भी यंग। तो यंग प्लेयर में जैसे मंजीत है, तो मंजीत ऐसा करके दिखाएगा सर, देखना वो नहीं रुकने वाला, क्योंकि लास्ट सीजन में मैंने देखा था उसके मैच, उसको इंजरी थी वो तब भी खेला था, तब भी खेल रहे थे। बताओ ये बात तो देखिए मीडिया में भी बहुत आई, बहुत तारीफ की गई उनकी कि इंजरी के बावजूद भी खेले, लेकिन खतरनाक साबित हो सकता था सर, खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन प्लेयर इंजरी को नहीं देखता सर, जब अपने बात आती कि नहीं यार, और जब ये देखता है यार टीम का पीछे जाने लग रही है, तो मैं इंजरी नहीं देखूंगा, मैं टीम को देखूंगा या अपने कैरियर को देखूंगा, तो सर उस चीज में वो लग जाता है कि हाँ यार अब तो मेरे को खेलना ही खेलना है। जोश होता है सर, और यंग है तो जोश तो ऑब्वियसली मिलेगा उसको कि यंग हूं यार, मैं कर लूंगा मैं रिकवर, आज नहीं कल एक मैच तो खेल लूं, जी हाँ टीम को तो जिता दूं, टीम को जिता दूं। तो यही है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मेरा आपको भी सजेशन है, जो भी कबड्डी खेलते हैं, अगर आप इंजर्ड हैं, अगर आप चोटिल हैं तो आराम करें, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन है, आपको लड़ना ही है। नहीं सर, इंजरी की बात, अगर आपके ज्यादा इंजरी है तो आपके टीम का फिजियो या डॉक्टर आपको रेस्ट के लिए बोल देगा, सीधी सी बात है, तो आप खेल नहीं सकते। अगर आपको छोटी मोटी इंजरी है, हाँ मैं खेल सकता हूँ दावे के साथ, अगर आप कोच को बोलोगे, मैनेजमेंट को बोलोगे, तो ऑब्वियसली आप खेलोगे। बिल्कुल, अगर आपको बड़ी इंजरी है तो डॉक्टर आपको सामना कर देगा कि नहीं आप मत खेलो, आप रेस्ट लो, आप रेस्ट के बाद ही ग्राउंड में आ सकते हो। जी हाँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर ज्यादा सीरियस इंजरी है तो मत खेलो, लेकिन अगर छोटी मोटी उंगली उंगली में है तो ये मैटर नहीं करता कबड्डी में, क्योंकि इतनी तो आप खेलते खेलते लग जाती है बिल्कुल लग जाती है। तो अभी आपके सवाल यहाँ पे ले लेते हैं, थैंक यू सो मच। और आपको साथ ही बता दूं मैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे ज्यादा अगर आपको थोड़ी जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे देखिए एपी पेज है, उसका लिंक भी यूट्यूब पे दिया हुआ है, वहां पे भी आप डिस्क्रिप्शन पे जाके हमारी फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, अपना प्यार हमें वहां पे मैसेजेस के थ्रू पहुंचा सकते हैं, हम तक आप मैसेज टाइप कीजिए, अपना नाम टाइप कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए और भेज दीजिए जो भी आपका सवाल है। और खेल आउट टीवी की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे जो आपके सवाल आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए हमारे पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि हमें अपने स्पॉन्सर्स का भी नाम लेना पड़ता है, तो ये पावर्ड बाय ओमेगा से की मोबाइलिटी, तो आप ये भी चेक कीजिएगा क्योंकि वो भी हमारे ऊपर प्रेशर होता है। अच्छा, यहाँ पे आपके सवाल आ रहे हैं कि तमिल का जो डिफेंस है थोड़ा वीक है, कवर स्पोर्ट पर सुरजीत नहीं है, हाय अमलान बिस्वाल क्या कहेंगे, ये कहते हैं कि जो तमिल की बात करते हैं, तमिल थ्राइवर्स का जो डिफेंस है वो थोड़ा सा वीक है, कवर स्पोर्ट पे सुरजीत नहीं आ रहे वहां पे, सुरजीत ही आएंगे सर वहां पे, उनके अलावा है कौन राइट कोर पे तमिल में, तो सुरजीत तो ऑब्वियसली राइट कोर खेलेंगे, टीम का कैप्टन भी है वो, तो राइट कोर उनको, राइट कोर तो उनकी दावेदारी है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो ले पंगा भैया यहाँ पे, ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये जो बातचीत है, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि तू खेल कबड्डी बोल कबड्डी, और ये कबड्डी वाला जो सीजन है ये चलता रहेगा आपके साथ। यहाँ पे आप अपने सवाल हमें यहाँ पे भेजते रहिए। तमिल ने इस बार युवा टीम बनाई है, मोहित सर आपका क्या ओपिनियन है, और रोहित
नीड्स टू सपोर्ट सिद्धार्थ, कहते हैं कि तमिल दे हैव गुड रीडिंग, प्रपंजन मंजीत, हमने ये बात की अभी, ये हमने अभी बात की है कि उनके पास देखिए अगर युवा खिलाड़ी है उनके पास, के प्रपंजन है उनके पास, मंजीत है उनके पास, तो युवा रेडर्स हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंजरी की संभावना कम हो जाती है जो युवा खिलाड़ी होते हैं वहां पे। तो ये युवा खिलाड़ी, एक आप युवा खिलाड़ी नहीं आते क्या, युवा खिलाड़ी कितने साल से युवा है, जब हम जीवा की बात करते हैं, जी बिल्कुल, जब हम जीवा की बात करते हैं तो 40 साल की उम्र में खेल रहे हैं वो, बिल्कुल सर, वो मैं उनके साथ स्टार्टिंग से 2014 से खेल रहा हूँ जीवा की आप बात कर रहे हो, और उनकी है ना आप मानोगे नहीं, ये उंगली ऐसे बिल्कुल एल शेप में है, वो तभी भी खेलते हैं, और सर इतना वो ना उनको कि हाँ भाई अगर मेरे को खेलना है, वो वर्कआउट पे लग गए तो वर्कआउट पे ही लगते हैं, लेकिन वो शिद्दत के साथ खेलते हैं हर चीज। जी हाँ, तो आप शिद्दत के साथ खेलते हैं बिल्कुल। जी हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अभी देखिए आपको बता दूं मैं कि इसी के साथ जैसे ही मैच खत्म हुआ उसके कुछ टाइम बाद मान लीजिए देखिए आज का जो मैच है, आज आप हमसे 10:15 पे मिलिए तो बिल्कुल लाइव हम बात करेंगे यहाँ पे, और हमारे साथ मोहित जी जुड़े हुए हैं, आप हमसे जो हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लीजिए, वहां पे अपने सवाल, तो जाते जाते अभी वक्त हो गया है हमारे भी यहाँ से जाने का, लेकिन जाते जाते हमारी जो स्पोर्टिंग टीम है यहाँ पे हमसे बार बार इशारा कर रही है कि वक्त हो गया जाने का, लेकिन मन नहीं करता ऐसी बातें जब चल रही है यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया देखिए वेल नोन नाम है इंडियन कबड्डी में, और महेंद्र सिंह कैप्टन है, थोड़ा सा कैप्टन के बारे में अगर आप बंगाल वॉरियर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। महेंद्र सिंह सर बहुत अच्छे राइडर है और कैप्टन भी अच्छे है, वो एक ऐसे कैप्टन है वो भी जैसे सेम है कि वो टीम पे प्रेशर नहीं देते, भाई जो कोच ने फर्स्ट टाइम बना दिया वो अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है रेड की वो उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, और टीम को ये बोलते खड़े रहो, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं जी, अपने डट के खड़े रहो और बाकी मैं देख लूंगा, जैसे हरियाणा में बोलते हैं भाई तुम डट के खड़े रहो, डट के खड़े रहो, मैं अपने आप देख लूंगा, नहीं मैं अपने आप देख लूंगा, इसको हरियाणा में कैसे बोलेंगे, मैं आप पे देख लूंगा, आप पे देख लूंगा, ऐसा है उनका, तो वो अच्छे रेडर है और अच्छे कैप्टन भी साबित हुए हैं पिछले कई सीजनों से, वो जी 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 वो टीम को फाइनल में भी लेके गए हुए हैं, उन्होंने खिताब भी जीता हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज उन्होंने की हुई है, तो ये इनके पास टैलेंट है जी, एक्सपीरियंस प्लेयर है और कैप्टनशिप बहुत अच्छी है। इसी के साथ यूपी योद्धा की बात करें तो मुझे लगता है कि नितेश कुमार यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और कॉस्टली स्टार प्लेयर हैं, प्रदीप नरवाल कैसे भूल सकते हैं हम, इतने तगड़े प्लेयर हैं, तो हम आपसे मिलते रहेंगे, अभी हम कहीं नहीं जा रहे, आप अपने सवाल हमसे पूछिए यहाँ पे, आपको बता देता हूँ मैं कि रोज 6:30 पे मतलब कि अगर हम 24 आवर्स की बात करें तो 18:30 पे हम आपको मिलेंगे यहाँ पे, पोस्ट मैच होगा 9:15 पे और उसके बाद 10:15 पे हम आपको मिलेंगे, इसी के साथ आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, खेल और टीवी पर आप हमारे साथ बने रहिए, मैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा मोहित जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हमारे साथ, मेरे को भी अच्छा लगा कि और मैं ये चीज पहली बार कर रहा हूं, लेकिन मेरे को भी अच्छा लगा, और जैसे वो नए प्लेयर ग्राउंड में जाते हैं और लाइटों से घबराते नहीं है, मेरे साथ वो बिल्कुल नहीं हुआ, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, जो है वो है, सर वो सामने दिख रहा है सबको, बिल्कुल, तो आपका प्यार यूं ही हमारे साथ बना रहे, फिलहाल ये सेशन यहीं तक, आप बने रहिए खेल नाउ टीवी पर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।